हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेवलिंग वॉर्म में। यह हमारी गोवा ट्रिप की थर्ड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा बागा बीच दिखाने वाले हैं। साथ ही अगर आप भी कभी बागा बीच आएँ तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपनी होटल से निकलकर बागा बीच पर पहुंच गए हैं। मॉर्निंग का टाइम है और अभी टाइम हो रहा है 10:15। यह देखिए फ्रेंड्स, बागा बीच का शानदार नज़ारा। यह बीच ना बहुत ही सुंदर है और यहाँ का पानी भी बहुत ही साफ है, इसलिए हम भी यहाँ पर नहाने आए हैं और नहाने के साथ साथ हम यहाँ पर बहुत सारी मस्ती भी करने वाले हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, सच में ना बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी पहले भैया भाभी गए हैं लहरों में आनंद लेने के लिए, वो आ जाए फिर हम लोग जाएंगे। गोवा आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट इस बीच पर जरूर आते हैं, इसलिए बीच ना हमेशा ही टूरिस्ट से भरा हुआ रहता है, चाहे हम मॉर्निंग में आए, दोपहर में आए, शाम में आए या रात में आए। इस बीच पर आपको हमेशा ही टूरिस्ट इंजॉय करते हुए नजर आएंगे। यह यहाँ पर लाइफ गार्ड की जीप खड़ी है। यह ध्यान रखते हैं कि कोई समुद्र में ज़्यादा आगे तक तो नहीं जा रहा है। अगर कोई जाता है तो ये लाउड स्पीकर से वार्निंग देते रहते हैं कि ज़्यादा आगे तक न जाएं, जीवन अनमोल है, कृपया किनारे पर ही खड़े रहें। इनका बीच पर होना और बार बार वार्निंग देते रहना बहुत सही लगा, क्योंकि बहुत से लोग ना यहाँ नहाते नहाते बहुत ज़्यादा आगे तक चले जाते हैं। यहाँ समुद्र में नहाने का टाइमिंग शाम को 6 या 6:30 बजे तक ही रहता है। उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे खड़े हो सकते हैं, किनारे पर बैठ सकते हैं, बट अंदर जाकर लहरों में नहाने की परमिशन नहीं होती है। उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है और फिर भी नहाता है तो उनको चार्जेस फाइन करना पड़ सकता है। देखिए सामने बागा बीच का बोर्ड लगा हुआ है। गोवा का यह बीच नॉर्थ गोवा का सबसे मशहूर बीच है। इस बीच का नाम बागा क्रिक के नाम पर रखा गया है, जो कि इस अरब सागर में बहती है। यह बीच यहाँ पर होने वाले वाटर स्पोर्ट्स, यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ के डिजाइनर स्टोर्स, समुद्र तट पर होने वाली पार्टियाँ और यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों के कारण गोवा के सबसे फेमस बीचों में से एक हैं। वैसे तो यहाँ गोवा में बहुत सारे बीच है, बट यह बागा बीच अपनी एक अलग पहचान बनाता है। इस बीच पर ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी है। ये देखिए कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और इनके बाहर बैठकर खाना खाने के लिए, ड्रिंक एंजॉय करने के लिए भी इन्होंने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है। यहाँ पर आप समुद्र की खूबसूरत सी लहरों को देखते हुए लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेज, नॉन वेज, रशियन फूड, सी फूड सब कुछ बहुत इजीली मिल जाएगा। सभी रेस्टोरेंट्स के अंदर ऑल टाइम डीजे भी चालू रहता है, इसलिए गोवा के अंदर पार्टी करने के लिए सबसे अच्छा बीच है। ये सभी रेस्टोरेंट्स रात में लाइटिंग की वजह से और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। हमने आपको दिखाया है इससे पहले वाली वीडियो में यहाँ का नाइट व्यू, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर नवंबर और दिसंबर के मंथ में ही आते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। इस टाइम पर यहाँ का टेम्परेचर बहुत सही रहता है, न ज़्यादा गर्मी रहती है न ज़्यादा ठंड रहती है, इसलिए मोस्टली टूरिस्ट नवंबर और दिसंबर में ही आना पसंद करते हैं।
अब हम जा रहे हैं समुद्र की लहरों के साथ थोड़ी सी लुक्का छुपी खेलने के लिए। सच में ना यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। अगर आप किसी भी बीच पर नहाने के लिए जाएं, तो अंदर समुद्र में अपने साथ कुछ भी ना लेकर जाएं, क्योंकि मैं जो गूगल लगा के गई थी वो समुद्र की लहरें अपने साथ ले गई और साथ में मेरा एक इयररिंग भी। इसलिए आप ध्यान रखें और कोई भी कीमती चीज ना पहन कर जाएं। अब इसके आगे की जर्नी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।